फिर से दोबारा आपका होस्ट बाबा जी अपने दोस्त खालिद तनोली साहब के साथ। इस वक्त मैं गेटवे ऑफ द पंजाब पे हूँ, जिसको कि गांव का नाम बकायदा तौर पे दरवाज़ा रखा गया है। दरवाज़ा जो है ये इसीलिए गांव का नाम दरवाज़ा रखा गया कि क्योंकि इट इज़ द गेटवे ऑफ द पंजाब। ये पंजाब को जाने वाला वाहिद जो रास्ता था हिल स्टेशंस की तरफ से, और ये सिल्क रूट को भी टच करता था। और ये जो है वो पीछे अगर आप जाएँ तो आपके पीछे आम स्टेट की तरफ से हम आ रहे हैं, और इससे पीछे चिंदौड़ है जगह एक नाम है, इससे आगे अगर आप जाएंगे तो फिर दरवाज़ा आएगा, और दरवाज़े के बाद जाके जो है वो हम लोग गांव है जट्टी, जो कि सिख दौर में आबाद हुआ और उसके बाद जट्टी पेंट कहलाता है, और ये सिख दौर में जो है वो बनाया गया। इस वक्त मैं गाड़ी की रूफ टॉप पे जो है वो बैठ के ये वीडियो कंपोज कर रहा हूँ, और ये गाड़ियाँ जो हैं वो ये हरिपुर से आ रही हैं और ये जा रही हैं इस वक्त आम दरबन एक जो स्टेट है, इसके मतलब मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि जो है ये यहाँ के बाकायदा इंडिपेंडेंट एक स्टेट थी 65 से पहले, और उसके बाद जो फिर ये पाकिस्तान के अंदर ज़िम कर दी गई और ये स्टेट को जो है हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। और ये जो रास्ता थोड़ा सा आगे आ रहा है यहाँ पे, मैं आपको एक चीज़ बड़े वाज़े तौर पे बताता चलूँ, ये वही रास्ता है जहाँ से सबकतगीन उतरा, वही रास्ता है जहाँ से शहाबुद्दीन गोरी आया, वही रास्ता है जहाँ से महमूद गजनवी गुज़रा, वही रास्ता है जहाँ से हरी सिंह नलवा ने यहाँ पर चौकी बनाई और मॉनिटर किया जो है पंजाब के आने वालों के लिए। और ये वो जगह थी जहाँ पर मॉनिटर किया गया, यहाँ पर कुछ बुद्धिस्ट दौर के कुछ जो हैं वो आसार भी मिलते हैं, और यहाँ एक चौकी यहाँ पर होती थी, और एक ये पहाड़ की चोटी के ऊपर जो है वो हरी सिंह नलवा ने जो है वो मॉनिटर करने के लिए अपने कुछ सिपाही रखे हुए थे, जो कि पूरे शहर को ऊपर से मॉनिटर करते थे, कोई इन्वेडर जो है वो इधर से गुजरे या कोई काफला गुजरे तो वो उनको मॉनिटर कर सकें। ये रास्ता था, यहाँ पर मैंने जाने की कोशिश की है, लेकिन यह थोड़ा मुश्किल है, ऊपर नहीं जा सका मैं, वरना मैं आपको वो चौकी के निशानात भी दिखाता। और ये आगे आपको जो विलेज नज़र आ रहा है, इट इज़ द गेट वे ऑफ द पंजाब, दैट द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द पंजाब, यानी कि दैट्स द लास्ट टेरिटरीज ऑफ द पंजाब। यहाँ से पंजाब की आखिरी हदें शुरू हो जाती थीं, और यहाँ से ही पहली हद शुरू होती है पंजाब की तरफ, और नॉर्थ की तरफ आते हुए ये लास्ट बाउंड्रीज थी। अब आप यहाँ से देखें कि कितना खूबसूरत ये मंज़र आपको नज़र आता है, कि आप अगर तारीख की आईने में जाके देखें कि यहाँ से सिकंदर गुज़रता है, यहीं से अब्दाली गुज़रता है, एंड पे आके आज मैं भी उसी रास्ते के ऊपर अपने दोस्त खालिद तनोली साहब के साथ जो है वो तनावल गांव के पास से गुज़र रहा हूँ इस वक्त। तो मैं बींग ए हिस्टोरियन स्टूडेंट जो है, मैं अपने आप को एक प्राउड फील कर रहा हूँ कि मैं उस वे के ऊपर हूँ जहाँ पर एक बहुत बड़ी तारीख गुजरी है। यहाँ से ही गौतम बुद्ध गुज़रे, यहीं से अशोका गुज़रा, यहीं से एक जो बुद्ध मत दौर की एक रानी गुज़री है, जिसका बहुत बोलबाला था, जिसको रानी संगूरी के नाम से याद किया जाता है। यहाँ से आगे कम से कम 40-60 km दूर जो है एक गांव है, गांव के बाद फिर जो है वो रानी संगूरी का जो है फोर्ट आता है, उसके लिए बहुत जो मेहनत तलब काम है, वहाँ पर मैं नहीं जा पाया। तो इंशाल्लाह दोबारा कभी भी जब मैं आपको आम स्टेट दिखाने के लिए लेके जाऊँगा तो फिर मैं आपको वहाँ पर ले जाऊँगा। तो मैं आपका अपना होस्ट बाबा जी, सेव हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ द पाकिस्तान, इट्स अ नाइस जर्नी विद माय फ्रेंड खालिद तनोली, और ये उनके विलेज का जो है वो एक व्यू है, गेटवे दैट कॉल्ड दरवाज़ा ऑफ द पंजाब। तो मैं यहाँ से गुज़रते हुए बहुत जो है प्राउड फील कर रहा हूँ, इन्जॉय कर रहा हूँ इस जगह को। उम्मीद है कि आपको मेरी ये जर्नी पसंद आएगी, मैं बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा हूँ, मुझे यहाँ के लिए काफ़ी लंबी ट्रैवलिंग करनी पड़ी है, और यहाँ पर थका देने वाला सफ़र है, और पीछे मेरे अंदर बंद है, और आगे मेरे जो है वो पंजाब का गेटवे है। मैं सदियों का सफ़र जो है वो आपको मिनटों में मैं दिखा रहा हूँ। आपका अपना होस्ट बाबा जी, सेव हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ द पाकिस्तान।